हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय मुड़े और आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम बात करेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म की, ऐसे प्राणी की जो अब तो पृथ्वी पर जिंदा नहीं है लेकिन 150 लाख साल पहले वो पृथ्वी पर जिंदा था और बहुत ही अमेजिंग दिखता था। मैं आपको उस ऑर्गेनिज्म को दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में बात करेंगे अपने स्लाइड्स पर। तो चलिए स्लाइड पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप जिसे देख रहे हैं इसे कहते हैं आर्चियोप्टेरिक्स। आर्चियोप्टेरिक्स इस वर्ड का मीनिंग होता है फर्स्ट बर्ड। इसे फर्स्ट बर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि ये तब का ऑर्गेनिज्म है जब जो रेप्टाइल्स थे वो इवॉल्व हो रहे थे, विकसित हो रहे थे बर्ड्स में। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको इसमें दोनों के कैरेक्टर दिखाई देंगे, कुछ आपको बर्ड्स के कैरेक्टर दिखेंगे, कुछ आपको रेप्टाइल्स के कैरेक्टर दिखेंगे। इसीलिए इन्हें कहा गया है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो अगर बर्ड्स के कैरेक्टर की हम बात करें तो बीक का होना, विंग्स का होना और फेदर का होना, ये जो कैरेक्टर है एक बर्ड के कैरेक्टर है। अगर हम रेप्टाइल के कैरेक्टर की बात करें तो बीक के अंदर टीथ का होना, पीठ पर स्केल्स का होना और लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर टेल का होना, उसके बाद में फोर लिम्स पर क्लॉज का होना, ये जो सारे कैरेक्टर है ये एक रेप्टाइल के कैरेक्टर है। अगर हम इनके बोन की बात करें तो इनके बोन्स जो थे वो सॉलिड बोन्स थे। अभी जो हम मॉडर्न बर्ड्स देखते हैं उनके बोन्स हॉलो होते हैं ताकि वो उड़ पाए। अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस तरह के फॉसिल रिकॉर्ड्स कुछ हमें मिले हैं। सबसे पहला फॉसिल रिकॉर्ड मिला था 1861 में, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद में हमें इसके 11 अलग अलग फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं। साइंटिस्ट की अभी भी डिबेट शुरू है कि ये एक ही स्पीसीज के हैं या अलग अलग स्पीसीज के थे। दोस्तों, अगर हम इवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर है, ये रेप्टाइल्स की पिक्चर है। तो आप रेप्टाइल्स के कैरेक्टर को देख सकते हैं, ये प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स है। तो आप रेप्टाइल्स के कैरेक्टर को देखिए और इवोल्यूशन के बाद में जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं उसके बाद में कौन सा ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं। इसको देखना और समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।